नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जीरा के गांव महियावाला में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ से आ रही कार से टकराई, एक की मौत, एक गंभीर घायल। जालंधर के मिठापुर के नजदीक गुरु रामदास कॉलोनी में चोरों ने ड्राई फ्रूट गोदाम को बनाया निशाना। जालंधर के ज्योति चौक के नजदीक कार पार्किंग को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, गुस्साई भीड़ ने कार के तोड़े शीशे। और अब हलचल विस्तार से। जीरा के गांव महियावाला के नजदीक नेशनल हाईवे नंबर 54 पर उस समय भीषण हादसा हो गया जब तेज रफ्तार स्विफ्ट कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी तरफ से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार के साथ जा टकराई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्विफ्ट डिजायर में सवार व्यक्ति बूटा सिंह ने बताया कि वह फरीदकोट से जीरा की तरफ आ रहे थे। जब वे गांव महियावाला के नजदीक पहुंचे तो अचानक दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी और ये सब कुछ अचानक हुआ और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वहीं सड़क सुरक्षा फोर्स में तैनात कर्मचारी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि गांव महियावाला के नजदीक एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और देखा कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और दूसरा गंभीर घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। ये घटना सर बरपड़ी है जी, गड्डी ओवरटेक होने करके, तेज गड्डी होने करके जी ओवर अपने सड़क क्रॉस करके दूसरे पास सड़क पर आ गई जी। उधर गड्डी तेज आ रही थी, स्विफ्ट डिजायर जी सामने वजिया क्रॉस होया जी, तो जिस करके डेथ हो गई एक दी जी, तो दूसरे जो बंदे से जख्मियों एम्बुलेंस राही अस्पताल गया जी। जालंधर के अधीन आते मिठापुर के नजदीक स्थित गुरु रामदास कॉलोनी में गत रात्रि चोरों ने एक ड्राई फ्रूट्स के गोदाम को अपना निशाना बनाया। इस दौरान चोर 1.5 लाख रुपयों की नकदी और ड्राई फ्रूट के कंटेनर चोरी कर फरार हो गए। तो वहीं जाते समय चोर सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर बॉक्स भी अपने साथ ले गए। तो वहीं गोदाम मालिक के अनुसार इस चोरी की वजह से उनका लगभग 5 से 6 लाख रुपयों का नुकसान हो गया है। वे घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। गुरु रामदास कॉलोनी दे विच रात चोरी हुई है, तो सानू इनफॉर्मेशन मिली है भी चोरी हुई, असीं मौके पर पहुंचे हाँ। साड़ी जिहड़ी आ तफ्तीश दे विच सामने आया भी जिहड़े चोरी करने वाले लड़के आ उह आराम दे नाल आए आ, तो आराम दे नाल उन्होंने चाबियां दे नाल ताले खोले, तो कोई धक्का नहीं किया, कोई कुछ इहो जिही गल सामने नहीं आई भी वह जबरदस्ती करके अंदर वड़े होणगे। दोनों ताले उन्होंने आराम नाल खोले आ, खोल के अपना अंदर समान चोरी किया आ। उस तो बाद जिहड़ा डीवीआर वगैरह आ वह भी चोरी करके लै गए ताकि उन्होंने शक्लों सामने ना आन। सर की पहचान हुई नहीं, उन्होंने अजे पहचान नहीं हुई, तो बाकी असी डंप चुकाते हैं, डंप चुकाने बाद जो भी सामने आऊगी आप कार्रवाई करी जाएगी। सर किन्ने बंदे सी? सीसीटीवी के 3-4 लड़के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बोरे चुके ले जाते। सवेरे सानू 9 बजे पता लगा जी, 9:15 बजे असं आए अपने गोदाम से देखा, तो बाहरों लॉक नहीं लगा हुआ, असं डर के अंदर वड़े, अंदर लॉक इधर भी, इधर भी लॉक नहीं लगा हुआ, अंदर देखे उधर भी लॉक नहीं लगा, अलमारी देखी अलमारी टुटी हुई सी, उस चो कैश भी गायब सगा जिहड़ा असी रखिया सी सवेरे आरटी बैंक जमा कराना सीगा, ते 2,15,000 सीगा जी। सर चोरी किन्नी क होई सर? चोरी किन्ना किन्ना? चोरी तुसीं बादाम काजू बादाम सॉरी ते सौगी ते अपनी काली मिर्च 3 आइटमां ते प्लस कैश मिला के 5 to 6 lakh एस्टीमेट है, बाकी एग्जैक्ट अमाउंट बनाई नहीं असीं। सर की अपने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए जी? लगे सीगे जी सर। उन्होंने की आया? वो डीवीआरई सर लै गए नाल। जालंधर के ज्योति चौक के नजदीक बनी शू मार्केट के बाहर गाड़ी की पार्किंग को लेकर दुकानदार के साथ गाड़ी चालक का विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में गाली गलौज के साथ हाथापाई भी हुई। इस दौरान गाड़ी चालक ने दुकानदार के मुंह पर मुक्का मार दिया जिस कारण दुकानदार घायल हो गया। जिसके बाद जब गाड़ी चालक ने अपनी गाड़ी भगाने की कोशिश की तो तेजी के कारण एक व्यक्ति गाड़ी के नीचे आ गया जिस कारण उक्त व्यक्ति की टांग टूट गई। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए।
जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। इस दौरान थाना 4 की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी चालक को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई और मामले की जांच शुरू कर दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, अब सू इनफॉर्मेशन मिली थी कि शू मार्केट रेड क्रॉस भवन सॉरी इतने शू मार्केट ज्योति चौंक उत्थे कोई झगड़ा होया तो उत्थे साढ़े वेरीफाई जो किया पता लगा कि उत्थे गड्डी इनोवा गड्डी वाले पार्क की गड्डी उत्थे कोई आसे पास लगे आस पास कोई रेहड़ी खड़ी थी कार वाले ने इनोवा कार ने रेहड़ी साइड से करती जेडे रेहड़ी वाला से मुंडा उन्हें उन्होंने रोकया भी तुम्हें मेरी गड्डी क्यों साइड की मैं दिहाड़ी करता मैं काम कर करता मैं गड्डी गड्डी इतों अगर पिछले कर लूँ इस गल तो उन्होंने बहस हो गई जरा पता लगा कि कार वाले ने उस मुंडे के मूँह से कोई पंच मारे वो सट लगी है तो उस तो बाद जो पब्लिक इकट्ठी हो गई तो उन्होंने पुलिस पार्टी थाने लैके आने लगी थी तो उन्हें गड्डी तेज चलाई तो गड्डी वही आप ही ड्राइव कर रहा है तो वो करके पता लगा भी एक दो जने फेट बजी उन्होंने भी लथी गई है दो जने एडमिट गए इलाज करा झगड़ा हो जंडियाला गुरु में सरस्वती हेल्थ क्लब के संचालक वरिंदर सूरी की ओर से लगभग पिछले 18 वर्षों से बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले करवाए जा रहे हैं, जिसमें पंजाब और हरियाणा के लगभग हर जिले में से बड़ी संख्या में नौजवान हर वर्ष भाग लेने के लिए पहुंचते हैं, जिसके चलते क्लब की ओर से मिस्टर पंजाब चैंपियनशिप करवाई गई, जिसमें अलग अलग जिलों से आए 500 प्रतिभागियों ने भाग लेकर बॉडी बिल्डिंग का प्रदर्शन किया। तो वहीं इन मुकाबलों में अलग अलग भार वर्ग में विजेता रहे प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस चैंपियनशिप में पहुंचे मुख्य मेहमानों की ओर से विजेताओं को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संचालक वरिंदर सूरी ने कहा कि पंजाब की नौजवान पीढ़ी को नशों की दलदल से दूर रखने के लिए उनकी ओर से समय समय पर हर वर्ष ये चैंपियनशिप करवाई जाती है, जिसमें दूर दूर से नौजवान भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि इन मुकाबलों में बॉडी बिल्डिंग, बेंच प्रेस, वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता भी करवाई गई है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। गत दिनों झारखंड में एक विदेशी महिला के साथ कुछ लोगों द्वारा बलात्कार किया गया था और उसके पति के साथ मारपीट भी की गई थी, जिससे पूरे विश्व में भारतवासियों का सर शर्म से झुक गया। विदेशी दंपत्ति के साथ ऐसा करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर इंटरनेशनल बाइक राइडर क्लब की ओर से जीरा में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। ये रैली कोट इसे खां रोड जीरा से शुरू होकर अलग अलग बाजारों से निकली और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। आज असी झारखंड के दुमका इलाके दे विच एक बहुत ही दर्दनाक जड़ी घटना वापरी है, जिदे विच स्पेन की लड़की फरनांडा नू दे नाल समूहक बलात्कार किया गया, उहदे पति की कुटमार की गई, जिदे नाल पूरी दुनिया दे विच भारत का जिहड़ा सिर है वो झुकया है। असी समझदे हां कि असी इस देश दे वासी होण दे नाते साडियां भी धीआं भैणां जिहड़ियां उह बाहर विदेशां दे विच पढ़दियां है, पर किसी की धी भैण दे नाल किसी औरत दे नाल साडे देश दे विच जेकर इस तरह की घिनौनी हरकत हुंदी है तो मैं समझदा कि इस तों शर्मनाक गल कोई हो नहीं सकती। असी मंग करदे हां वख-वख अज जीरा शहर दे विच वख-वख जथेबंदियां दे वख-वख किसान मजदूर ते समाजिक जथेबंदियां दे होर जिहड़े साडे वीर हैगे आ ट्रैवलिंग करन वाले उह सारियां जथेबंदियां इकट्ठियां होईयां ते साडी इही मंग है सरकार पासों कि उहनां दोषियां नूं सख्त
ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਸੂਹਾ ਕੇ ਗਾਓ ਇਬਰਾਹਿਮਪੁਰ ਮੰਡ ਮੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਕੋ ਲੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰ ਪੂਰਵ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀਓਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿਆ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਟਾਂਡਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਕੋ ਲੇਕਰ ਉਨ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈ। ਇਨ ਸਭ ਹਮਲੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਵ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕਾ ਹਾਥ ਹੈ। वहीं दसूहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल स्वर्ण सिंह के बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। कुछ टाइम पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी पिंड ब्राइनपुर के स्वर्ण सिंह और पाला सन उतारा से बस ड्राइवर जो कि प्रधान जी उन्होंने जाके देखे उसे पता चल चुकी है कि वापस यह हमला हो तो सानू इनफॉर्मेशन पुलिस की उठाते इतने सिविल हस्पताल से दाखिल हो गए तो असं मौके पर सिविल हस्पताल ही पुजे। उन्होंने स्टेटमेंट असं लवान जो उन्होंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बंदे कर रहे। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नजदीक गाखला पुल जालंधर में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर 8 मार्च को शिव परिवार शिवलिंग की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि मंदिर प्रांगण से शुरू होकर इलाके की परिक्रमा कर वापस मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई। इस दौरान भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस मौके पर पंडित अविनाश गौतम, पंडित राजेश शर्मा, इंद्र कुमार भार्गव, विक्रम भसीन, विक्रांत शर्मा, मुनीश लाहौरिया, राजेंद्र लाहौरिया, नीरज कपूर, संजीव चड्डा, मोहित बहल, नरोत्तम शर्मा, मुकेश चौधरी, गौरव कोहली, राकेश सरदाना सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। होशियारपुर के थाना माहिलपुर के अधीन आते गांव बुगरा में एक घर के बाहर गोलियां चलने का मामला सामने आया है। गोलियां चलाने वालों द्वारा घर में एक पर्ची भी फेंकी गई, जिस पर कौशल चौधरी ग्रुप का नाम लिखा हुआ था। जैसे ही गांव में गोलियां चलने की आवाज आई तो सारे गांव में दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद गांववासियों ने इसकी सूचना थाना महलपुर पुलिस को दी। इस दौरान डीएसपी परमिंदर सिंह और एसएचओ बलजिंदर मल्ली पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी परमिंदर सिंह ने बताया कि हमलावर एक गाड़ी में सवार होकर आए थे, जिन्होंने आते ही गांव के नंबरदार और पूर्व फौजी कश्मीर सिंह के घर के बाहर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमलावरों द्वारा 10 से 12 राउंड फायर किए गए, जिनमें से एक फायर घर के मेन गेट पर भी लगा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले महलपुर के मुख्य चौक पर जो गोलियां चली थी, इस घटना को उसके साथ जोड़कर भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हमलावरों को काबू कर लिया जाएगा। इतने सानू एसएचओ साहब नु तलाह मिली ही भी इतने पिंड बुगरा इतने कोई गोली चलन की घटना हुई है, जिथे मैं भी इतने मौके पर आया तो इतने पता लगा भी कुछ रौंद इतने घर के बाहर हवाई फायर किए हैं, तो जिन्होंने अं इनवैसटीगेट कर रहे हैं। ये कुछ दिन पहला जी मालपुर हुई सी इंसीडेंट, वो काफ़ी सानू शक है उन्हें हद तक रिलेटड लगती है, सो अं इनवैसटीगेट कर रहे हैं, जल्दी इन फाइंड आउट करता कि कारण की सी, किनिया गोलियां चलियां सर? कुछ राउंड फायर हुए हूँ, अजे पहुंचे ही हैं। किन्ने क बंदे सी करके इन्हों दसन 5-7 हुए आ। जालंधर के किशनपुरा चौक से लम्मा पिंड चौक मार्ग पर स्थित बीएमएस फैशन शोरूम पर छापा पड़ने की खबर सामने आई है। हालांकि किस विभाग में छापामारी हुई है ये स्पष्ट नहीं हो सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये रेड जीएसटी विभाग की ओर से की गई है, तो वहीं दुकान से बाहर निकले कुछ ऑफिसर की ओर से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन चर्चा है कि बीएमएस फैशन, बीएमएस आउटलेट, बीएमएस किड्स में जीएसटी विभाग की टीम द्वारा कागजों की जांच की गई। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जीरा के गांव महियावाला में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ से आ रही कार से टकराई, एक की मौत एक गंभीर घायल। जालंधर के मिठापुर के नजदीक गुरु रामदास कॉलोनी में चोरों ने ड्राई फ्रूट गोदाम को बनाया निशाना। जालंधर के ज्योति चौक के नजदीक कार पार्किंग को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, गुस्साई भीड़ ने कार के तोड़े शीशे।
इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।